दोस्तों हम लखतर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर सुरेंद्रनगर है। मेरे साथ बने रहिए, आज हम सुरेंद्रनगर में नोवेल्टी के परोठा और आलू की छिलके वाली सब्जी खाएंगे और दूसरा वहाँ का जो जो फेमस है उसका एक वीडियो बनाएंगे। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ये लखतर आ गए। दोस्तों ये है जमर, उसके साथ हमारा कुछ हादसा जुड़ा हुआ है। मेरे ब्रदर का यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ था, ये पंप के पास। पंप के बाद में मेरा ब्रदर रिक्शा में आया था कुछ काम के लिए और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो ये थोड़ा हमारे लिए बहुत दुखद जगह है। ये स्पॉट है जहाँ पे मेरा 23 साल का भाई 1988 में रोड एक्सीडेंट पे मर गया था। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। आप सब प्रार्थना करना दोस्तों। लेकिन आज मैं अच्छे काम के लिए, आपके वीडियो बनाने के लिए निकली हूँ, तो मुझे एक गर्व है कि मैं आपको सही अर्थ में मेरे YouTube के द्वारा एजुकेट कर रही हूँ। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, सुरेंद्रनगर आ गए दोस्तों। अब थोड़ी देर में ही हम नोवेल्टी परोठा हाउस जाएंगे और ये मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में है और हमारे कनू भाई। तो चलो चलते हैं दोस्तों। सुरेंद्रनगर का ये गेट हमारा हार्दिक स्वागत करता है। हम पहुंच गए हैं और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच गए हमारे मुकाम नोवेल्टी परोठा हाउस। ये आ गए नोवेल्टी परोठा हाउस। तो हम आ गए हैं जूना और जानीता नोवेल्टी परोठा हाउस और ये हमारी फेवरेट जगह है। आज हम यहाँ पे परोठा और सब्जी खाएंगे। आलू की सब्जी के लिए फेमस है नोवेल्टी परोठा हाउस। तो ये अलग कैसे हुआ? ये दोनों भाई है दोस्तों और यहाँ पे दो पास पास में है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये परोठा को सेलो फ्राई नहीं किया जाता, यहाँ पे तला जाता है। तो ये हमारा सुरेंद्रनगर का फेमस नोवेल्टी है। क्या नाम है आपका? भाणा भाई। भाणा भाई बना रहे, भाणा भाई स्पेशल पराठे बना रहे हैं और अब हम नोवेल्टी परोठा हाउस के गरम गरम परोठा खाएंगे। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अनिला शाह फ्रॉम एक्सप्लोर विथ अनिला शाह एंड अन्ना ग्लोब किचन। दोस्तों ये पराठे बन रहे, ट्रायंगल पराठा। एक बनाओ तो, एक पराठे का आटा यहाँ पे बांध के रखा है और ये पराठे फ्राई हो रहे। यहाँ पे पूरा पराठे को तला जाता है, ये सेलो फ्राई नहीं लेकिन डीप फ्राई होता है। और ये हो गया आपका गर्मा गर्म पराठा। और ये आटा किस में? गेहूँ का आटा से? गेहूँ का आटा और नमक और मोड़। नमक नहीं, गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा और मोड़, तेल तेल का मोड़, तेल का मोड़।
अच्छा, और आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम संजय भाई है। संजय भाई, यहाँ का ओनर कौन है? सब भाई है। सब भाई चला रहे मिल के है। ओके, तो आपका नाम? रमेश भाई। रमेश भाई और कल्पेश भाई, और आपका? संजय भाई। संजय भाई, तीनों भाई है। अच्छा, तो ये है नॉवेल्टी और हम आज टेस्ट करेंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, अनिला शाह। दोस्तों देखो, ये आटा लिया और अब उसको तेल के साथ में बेला जा रहा है। और ये तैयार हो गया ट्रायंगल पराठा। उसको फ्राई किया, पूरा फूला हुआ सोनेरी गोल्डन पराठा आप देख सकते हो। उसको कैसे तला जा रहा है, ये पूरा फूलता है दोस्तों, देख आप देख सकते हो। यहाँ पे ये मेन सब्जी है आलू की, आप देख सकते हो। इतनी सारी सब्जी अभी एक डेढ़ दो बजे तक ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा आलू के पीसेस के साथ में निकालो उसको। ये आलू की सब्जी दोस्तों, एकदम रसेदार बढ़िया आलू की सब्जी। और दूसरी ये बेसन गट्टा है दोस्तों, ये काठियावाड़ी स्पेशल बेसन गट्टा। तो आज हम नोवेल्टी परोठा हाउस का आपको स्वाद चखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एक ही नोवेल्टी परोठा हाउस का अभी तीन चार ब्रांच बन गई है, सब भाई भाई है। तो मैं यहाँ आई हूँ, वहाँ से ही हम आपसे मुलाकात कराएंगे। ये यहाँ का इंटीरियर है, टेबल और चेयर बैठने के लिए। यहाँ पे पानी के ग्लासेस, ये क्या है इसमें? पानी और छाछ लिखा दो। ये छाछ है एकदम, ये घर की बनाई छाछ के अमूल वाली है? नहीं, अमूल वाले नहीं, ये घर की छाछ है दोस्तों, घर की छाछ है। और यहाँ पे प्याज जो साथ में कचुम्बर के रूप में दिया जाता है वो रखा है। और इसमें कुछ है? नहीं। हाँ, ये दही है, देखो दही घर का ही पकाया बनाया हुआ दही है दोस्तों। तो सब चीज़ यहाँ पे फ्रेश मिलती है। सुरेंद्रनगर में लोग खाने के बहुत शौकीन है दोस्तों। अभी दो तीन बजे तक ये पूरा खाली हो जाएगा। कभी कभी हम बिना खाए, अगर लेट आए तो बिना खाए गए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सुरेंद्रनगर में खाना है तो डेढ़ दो बजे तक खाना खा लेना चाहिए, फिर कोई होटल में खाना यहाँ मिलता नहीं। दोस्तों ये मेरे हस्बैंड और हमारे कनु भाई, ये कैमरामैन कम शांति है, और यहाँ तक हमको पहुँचाया है। और अभी हम परोठा साग खाएंगे। इसमें दो टाइप की सब्जी है दोस्तों, एक आलू की छिलके वाली और दूसरी गट्टे की, क्या बोलते हैं उसको, ढोकली, ढोकली की सब्जी। और ये रहा मेन्यू दोस्तों। और यहाँ पे परोठा, बटेटा सब्जी, ढोकली, दही, छाछ, पापड़ और राइस प्लेट मिलती है। टाइम है 11 से 2 और 6:30 से 9। नोवेल्टी परोठा हाउस, यहाँ पे क्या नाम है आपका? वर्षाबेन। वर्षाबेन क्या करते हो यहाँ? ये बर्तन को क्लीन करने आते हैं। और आप परोसने के लिए, सर्विस के लिए, क्या नाम आपका? एम ठाकर। ठाकर भाई, तो दोस्तों ये किचन है और ये भी देखो काफ़ी साफ सुथरा रखा गया है। तो आज हम नोवेल्टी के परोठा और सब्जी खाते हैं।
दोस्तों ये नॉवेल्टी जो है श्री नॉवेल्टी परोटा हाउस से नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 अलग हो गया है, सबका अलग अलग नाम है। 5 नॉवेल्टी है यहाँ पे। दोस्तों ये आ गया हमारा काठियावाड़ी स्पेशल ढोकली की सब्जी। ये जो बेसन से बनती है, इसमें ग्रेवी के साथ में ये बनती है दोस्तों। और ये नॉवेल्टी जिसके लिए फेमस है वो आलू की सब्जी। दोस्तों हम श्री नॉवेल्टी में आए हैं। ये राइस है और ये पराठा जो मैंने आपको बाहर दिखाया, बाहर उसको फ्राई किया जा रहा है। और ये आलू की सब्जी, ये बेसन की सब्जी जो ढोकली की सब्जी बोलते हैं, और ये काठियावाड़ी स्पेशल छाछ घर के दही से बनी हुई। तो आ जाइए दोस्तों, ये पापड़ भी आ गया, यहाँ पे कुछ कमी नहीं है हमारे पास। और ये प्याज की कचुम्बर, कुछ ग्रीन मिर्ची है क्या? नहीं। अच्छा, ये दही। तो दोस्तों आज आपके लिए पूरा खाना यहाँ पे मौजूद है, बस सिर्फ आपका आने का इंतजार है। दोस्तों ये बेसन की सब्जी ढोकली वाली और आलू की सब्जी, पराठा, नॉवेल्टी का पराठा बहुत फेमस है दोस्तों। और ये राइस, छाछ, दही, पापड़। सही में दोस्तों अब हम इसका टेस्ट करेंगे और फिर आपको रिव्यू देंगे। तो आपको सिर्फ अहमदाबाद से या आप जो भी गांव में हो वहां से सिर्फ सुरेंद्रनगर तक आना है और नॉवेल्टी का स्वादिष्ट पराठा सब्जी खा के जाना है। दोस्तों एक बार आएंगे खुद जान जाएंगे। अनिला शाह फ्रॉम नॉवेल्टी परोठा हाउस। बोलिए। बहुत बढ़िया, क्या सब्जी है और पराठा एकदम क्रिस्पी है दोस्तों। सही अर्थ में खाने का आनंद काठियावाड़ का। अब देखो ये सब्जी जो चम्मच से खाने का मन हो जाए। चलो खाना खाते हैं, आ जाओ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जितना चाहिए इतना रसा मिलता है। सब्जी के साथ में ये रसा अनलिमिटेड फ्री होता है दोस्तों। कनु भाई कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल घर पे बनी हुई साँच है। और ये मार्केट में तो बहुत अच्छी जो बहुत आपको सारे फायदा देगी। अच्छा, तो बहुत अच्छा खाना है ना? ढोकली की सब्जी है। ढोकली की सब्जी टेस्ट कर रहा हूँ। ये ढोकली की सब्जी है और साफ खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। चलो दोस्तों अब आपका आगमन का इंतजार है नॉवेल्टी को, बस आपका व्हीकल घुमाए और यहाँ आ जाइए नॉवेल्टी परोठा हाउस से। अनिला शाह, ये पापड़, राइस, सब्जी, पराठा, छाछ। इसलिए गुजराती साहित्यकार ने एक बार सुरेंद्रनगर की जब विजिट की तब उन्होंने अपनी कहानी का नाम ही रसिक भाई रसो रखा था, क्योंकि रसा यहाँ पे जितना चाहिए इतना। सब्जी की ग्रेवी, रसा मीन्स सब्जी की ग्रेवी, ये अनलिमिटेड मिलती है दोस्तों। ये जो राइस है उसको चावल, ये चावल को सब्जी के रसे के साथ खाया जाता है दोस्तों। हाँ बेटा, आप स्पेशली आज आए हैं परोठा सब्जी खाने, तो कैसा लग रहा है? सारू लगे छे। और आप बार बार आते हो यहाँ पे?
क्या नाम है आपका? माही और स्मित। स्मित और माही यहाँ पे अपने डैडी के साथ में खाना खाने आए हैं और वो बता रहे हैं कि हमको ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और यहाँ पे अभी लंच टाइम चल रहा है, काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं दोस्तों। आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे खाना खाने? 5-6 साल से। अच्छा, तो आपको बहुत टेस्ट अच्छा लगता है नॉवेल्टी का? अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो? अच्छा, गांव से आए हैं और अभी सुरेंद्रनगर नॉवेल्टी के परोठा सब्जी का आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुमान सिंह बापू यहाँ पे आए हैं दोस्तों। तो हम अलग अलग सब जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं उनका रिव्यू ले रहे हैं। सर आपका थोड़ा वीडियो ले। क्या नाम है आपका? लालजी भाई अपने फैमिली के साथ आए हैं। कृष्णा में? अरे वाह, तो कृष्णा में आप हरदम आते हो यहाँ पे? 10 साल से। लास्ट 10 साल से आप आ रहे हो और परोठा सब्जी खा रहे हो कि ये बेसन का ढोकली भी खाते होगे कभी? तो कैसा लगता है आपको? अच्छा, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके लालजी भाई, थैंक यू कृष्णा बेन। अनसुया बेन से बात कर रहे हैं हम। अनसुया बेन, यहाँ पे स्त्री शक्ति का भी उपयोग किया जा रहा है। आप क्या करते हो यहाँ पे? बासन बर्तन करते हैं। और ये आप जानते हो कि जब नारी के हाथ हड़ते कोई चीज को तो सोने जैसी हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं अनसुया बहन नॉवेल्टी में। और यहाँ पे स्त्री शक्ति को जो रोजगारी दी जाती है वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। तो आइए आगे बात करते हैं। तो हम और एक कस्टमर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नितिन भाई दवे भाई। ये नितिन भाई भी यहाँ पे खाना खाने आए हैं। और नितिन भाई कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? मैं करीबन 10 साल से आ रहा हूँ। तो आप सुरेंद्रनगर प्रॉपर के हैं? नहीं, बाजू के गांव में हुए, जब भी आता हूँ तब यहाँ पे खाना खाने। अच्छा, आसपास के गांव वाले कुछ ना कुछ काम से सुरेंद्रनगर जो जिला है तो आते हैं, तो यहाँ पे खाना खा के जाते हैं। लोगों को यहाँ का खाना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे कोई बासी चीज नहीं परोसी जाती, यहाँ हमारे सामने ही बनता है दोस्तों खाना। आपका नाम? प्रवीण भाई आपको कैसा लग रहा है ये खाना? अच्छा लग रहा है ना? और कभी ये खाने के बाद कभी बीमार भी नहीं हुए? मुझे भी याद है, हमारे यहाँ गेस्ट आते थे तो हम गेस्ट को लेके आते थे, लेकिन ये खाना इतना तरोताज़ा है दोस्तों, कभी कोई बीमार हुआ या कोई कंप्लेन आई और या पेपर में कुछ चीज़ उनके बारे में लिखी गई हमने ना देखा है, तो दोस्तों बस एक बार विजिट करके आप खुद जान जाओ कि नॉवेल्टी परोठा हाउस सही में सुरेंद्रनगर का एक शान है और यहाँ के लोगों के लिए ये जान है। ये अभी दोपहर के शायद 2 बजने को है और यहाँ पे सब खाना ख़त्म होने को है दोस्तों। हम बात करेंगे, क्या नाम बताया आपने? रमेश भाई ये सब्जी आप बनाते हो सुबह में? मैं बनाता हूँ। तो इसका प्रोसीजर क्या है, आप क्या क्या डालते हो इसमें? लाल मिर्च का पाउडर है। हाँ, और मूंगफली का तेल। अच्छा, और नमक। तो आप ग्राहक की भी सुरक्षा और उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए मूंगफली के तेल से बना रहे हैं। और आलू के और बेसन कट्टा की सब्जी है वो बेसन के आटे से बनाते हैं हम उसे, और इसमें भी वो बहुत स्पाइसी नहीं बनाते हैं, लेकिन वो आलू की सब्जी वो स्पाइसी बनाते हैं। साथ में जीरा राइस भी बनाते हैं, दही छाछ चावल
तो ये आलू की सब्जी सब स्पाइसी मांगते हैं यहाँ के कस्टमर? मांगते हैं, स्पाइसी मांगते हैं। और रोज कितनी आलू की सब्जी और कितना वो तो ढोकली की सब्जी आपको कैसे अंदाज आता है? ऐसा है कि वो डिपेंड होता है कस्टमर पे, कभी कम रस होता है कभी ज्यादा रस होता है। नहीं तो आपको बनाने का आइडिया कैसे आता है कि कितना? लिमिटेड बनाते हैं, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा बनाते हैं। अच्छा, लिमिटेड तो सब फ्रेश परोसा जा रहा है? सब फ्रेश फ्रेश। अच्छा, और बेसन की सब्जी के लिए आपको पहले ढोकली बनानी पड़ती होगी? पहले लोट को पानी में गूंदा जाता है, गर्म हाँ, पानी में। ओके, उसके बाद उसे प्लेट में डाल के ठंडा होने देता है, बाद पीस बनाते हैं उसका। हाँ, और उसके बाद उसका बघार करते हैं, उसको बॉइल करके फिर बॉइल करते बघार करते हो। तो ढोकली की सब्जी, और ये कितने साल से आप ये नॉवेल्टी के साथ जुड़े हुए? 20 से 22 साल हुए। और कैसा चल रहा है आपका? अच्छा, कारोबार अच्छा, अच्छा चल रहा है और कस्टमर का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। और आपने यहाँ पे जलाराम गौशाला बाबर का भी दान पात्र वो हर दिन कस्टमर भी डालते हैं और हम भी अपने काउंटर में से डालते हैं। अच्छा, आपके जो प्रॉफिट है उसमें से आप डालते हो और फिर बाबर पहुँचाते हो कि वो आपका सत्कार्य भी चल रहा है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम अब यहाँ से आगे जाएंगे दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे वेटिंग में खड़ी है दोस्तों, और यहाँ का सुरेंद्रनगर का हाँ दोस्तों, अभी मुझे यहाँ आया लगभग 1.25 घंटा हुआ है और ये सब्जी कितने लेवल में खाली हो गई आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वो पूरा नहीं भरा था। हाँ, 7 किलो की सब्जी बनाई थी, 2 किलो खाली हुई, 5 किलो भी हुई इसमें। 7 किलो की सब्जी बनाई, 2 किलो खाली हुई, 5 किलो अभी भी उसमें। 5 किलो है। और ये कितने बजे तक खत्म हो जाएगी? 3 बजे तक, 3 बजे तक ये खत्म हो जाएगी दोस्तों। कितने पराठे बेलते हो? કેટલા કિલો પરોઠા લોટ બાંધીએ છે આપણે? 70 ઉપર આ જાજા લે 70 કિલો ખાય એમ જરૂર પડે કહા સે શીખે તું? ઉન્હોને શીખાયા दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे जितना चाहिए इतना रसा मिलता है सब्जी के साथ में, ये रसा अनलिमिटेड फ्री होता है दोस्तों। ये 5 नॉवेल्टी खुल गया है, सब भाई है दोस्तों। अभी यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और ये भानु बा, और क्या नाम आपका? कीर्ति भाई। और मेरा नाम मेहुल। कीर्ति भाई पराठे बना रहे हैं दोस्तों। पराठे बनाने का ये सौराष्ट्र का स्टाइल है दोस्तों। और यहाँ पे अंदर खाना खाया जा रहा है, सेम सब्जी। ढोकली बेसन का, ये ढोकली की सब्जी है, ये आलू की सब्जी। अच्छा, ये तीन इसका भी एक सेव टमेटा, और ये पराठा सुरेंद्र नगर का नॉवेल्टी पराठा। हाँ,